वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सुपर टेक के प्रोजेक्ट सुपरनोवा के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बहुत सिंपल और शॉर्ट टाइम के अंदर। ये ऑलमोस्ट आज से 7 साल पहले जब लॉन्च हुआ था, तब का ये इम्प्रेशन, मतलब आर्टिस्टिक इम्प्रेशन के वाइज ये पिक्चर रिलीज किया गया था। आज यही ऑलमोस्ट एक्चुअल बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका कुछ ओरिजिनल पिक्चर सबको दिखाना चाहता हूँ। ये काफ़ी दूर से पिक्चर लिया गया था, मोबाइल से खींचा तो उतना क्लैरिटी आया नहीं, बट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम रेप्लिका है जो उन्होंने सोचा था। ये आपको पूरा वोकला बर्ड सेंचुरी का पूरा एरिया दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर के करीब ओपन स्पेस है, ना इस जगह कभी कंस्ट्रक्शन आएगा ना कभी हिंड्रेंस इसके प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। ये थोड़ा नज़दीक से पिक्चर लिया गया, हियर इट इज। ये स्पायरा टावर के ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन का व्यू है आपका, ये एक्चुअल है। आपको पीछे जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, दैट इज ATS का प्रोजेक्ट नाइट ब्रिज। ये प्रोजेक्ट आपका शुरुआती 10 करोड़ से होता है। पेपर में आपने ऐड भी देखा होगा कभी, यू नीड $1 million टू हैव अ रूफ ओवर योर हेड, तो ऑलमोस्ट 6,000 square feet से स्टार्टिंग होता है। तो इसी से आपको अंदाज़ा आ चुका होगा, ये जो सेक्टर है ये दिल्ली का सबसे नियरेस्ट सेक्टर है, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है, तो प्रोजेक्ट भी उस सेगमेंट पे और उस क्वालिटी का बनाया गया। ये मेरा YouTube चैनल है। अगर आप नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद एंड कोलकाता, इन सारी जगह में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप थोड़ा जानना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बट उनका अपडेट आपको चाहिए, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाके कस्टमाइज ऑप्शन आप ले सकते हैं, उसमें मैंने नोएडा गुड़गांव के सेग्रीगेशन करके प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया, और बहुत जल्दी ऑलमोस्ट 1,500 आपको वीडियो इसमें मिल जाएंगे। एक कुछ दिन पहले मैंने सुपरटेक नोवा ईस्ट एक अपार्टमेंट के वीडियो बनाया, अब देख लीजिए इनका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। इनका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, 1380 square feet, 2 BHK अपार्टमेंट, वार्डरोब्स इन एवरी बेडरूम, फॉल्स सीलिंग, VRV एयर कंडीशनिंग, मॉड्यूलर किचन विथ चिमनी एंड हॉब, इम्पोर्टेड मार्बल, यू नो RO सिस्टम। यू टॉक अबाउट एनी प्रोमिनेंट स्पेसिफिकेशंस और लग्जरी स्पेसिफिकेशंस इट इज देयर। अलग अलग जगह में आपको VRV के पॉइंट्स दिखे होंगे। दिस इज वन वॉशरूम, ग्लास पार्टीशंस किया हुआ है, लेफ्ट साइड में एक बेडरूम है, राइट हैंड साइड पे और एक बेडरूम है। हर रूम के अंदर आपको वार्डरोब्स मिलेंगे। दिस इज रनिंग बालकनी, ड्राइंग रूम एंड एक बेडरूम, इन दोनों को मिला के एक रनिंग बालकनी की तरह किया हुआ है, जिसमें आप इस जगह को अब यूटिलाइज कर सकें। अब इस जगह में जब आपके घर में फ्रेंड्स एंड फैमिली का गेट टुगेदर होगा, तो आप इस जगह आराम से बैठ के शाम की चाय भी ले सकते हैं इस नज़ारे के साथ। दिस इज VRV। VRV बेसिकली डाइकन का होता है, उनका ये कॉपीराइट है। VRV वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, इसका मतलब ये है अगर सेंट्रल AC में होता है क्या, हर जगह में आपका टेम्परेचर सेम होता है,
बट वीआरबी घर पे इंस्टॉल करने के बाद आप एक रूम में मान लीजिए आपके माता पिता हैं, थोड़ा ठंड उतनी ज़्यादा सहन नहीं पाते हैं, तो उनके रूम पे टेम्परेचर आप 25 डिग्री 22 डिग्री 28 डिग्री जैसे उनको कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। पर आपको थोड़ा ठंड पसंद है तो आप अपने घर रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री या 20 डिग्री कर सकते हैं, वो आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू से भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये काफ़ी महंगा आता है। सोभा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट सोभा इंटरनेशनल सिटी है, इनके अंदर 4000 स्क्वायर फीट में वीआरबी इंस्टॉल करने के लिए 16 लाख चार्ज करते हैं। दिस इज द व्यू, ये आपको राइट हैंड साइड पे मेट्रो का लाइन दिख रहा होगा, दिस इज मेट्रो लाइन, और एक मेट्रो लाइन से डायरेक्टली एक पॉइंटर एक कनेक्टिविटी सीधा इस प्रोजेक्ट के अंदर गया हुआ है। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू लुक। अब इनके थोड़ा टेक्निकलिटीज में आ जाते हैं। बेसिकली नोएडा अथॉरिटी से पूरे ये सबसे महंगे डील किया गया था, 17.5 एकर लैंड के ऊपर ओनली 5 टावर्स, और ऑलमोस्ट ये मिक्स यूज लैंड है, तो दैट मीन्स आप इसमें रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें अपना ऑफिस का कोई काम करना चाहते हैं और या कमर्शियल पर्पस पे कोई यूटिलाइज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फिजिबल। जो मेन टावर आपको दिख रहा है इस जगह में, दैट इज कॉल्ड स्पायरा। आपको इस जगह में नोवा ईस्ट एंड नोवा वेस्ट दो टावर अलग से दिखेंगे आपको। ये टावर अभी लॉन्च नहीं हुआ, दिस इज अरमानी कासा। अरमानी कासा अभी बुकिंग ओपन है, 30 करोड़ से शुरुआत है, और नीचे आपका JW मैरियट होटल भी आएंगे। ये अगर कनेक्टिविटी थोड़ा आप समझना चाहते हैं तो इस साइड आपका दिल्ली है, दिस इज योर यमुना रिवर, इस साइड आपका नोएडा है, दिस इज ऑल्सो आपका ये जो अक्षरधाम वाली रोड से आप सीधा आ रहे हैं तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज महामाया फ्लाईओवर जो पूरे नोएडा का एक लैंडमार्क है, लोग महामाया फ्लाईओवर के नाम से ही जानते हैं, और ये सीधा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होके आगरा की तरफ चले जाते हैं। तो आई होप आपका लोकेशंस क्लियर हो चुके होंगे। अब डिस्टेंस वाइज देखें तो इसको कहते हैं हमेशा 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। 0 किलोमीटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेक्टर 94 से लेके आपका ओखला वर्ल्ड सेंचुरी जो आपका ब्रिज क्रॉस करने के साथ साथ ही दिल्ली एंटर करते हैं, तो ऑलमोस्ट 350-400 मीटर का गैप आता है, तो इसलिए 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली कहे जाते हैं। प्लस इसके अंदर जो मेट्रो आज के दिन में फंक्शनल है, ये डायरेक्टली आपको IGI तक कनेक्ट करता है, तो आपका जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है जैसे GK साउथ दिल्ली, आपका मालवीय नगर, साकेत, ये सारे कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 15-20-25 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं, और मेट्रो से ट्रैवल करें तो 15 मिनट के अंदर ही आप कोई भी लोकेशन पहुंच जाएंगे। कोई अगर एयरपोर्ट से आ रहा है तो उनको पर्टिकुलर कोई कैब वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस प्रोजेक्ट में अगले 20-25 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं या 30 मिनट के अंदर, जनरली जो कैब में आते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगते हैं। ये कुछ आपका लैंडमार्क है जो एक्सप्रेस थोड़ा मैंने बताया। अब सेक्टर 94 ये कमर्शियल सेक्टर है, और इनके लेफ्ट साइड में ऑलमोस्ट 5 सेक्टर 124 जिसमें MIT यूनिवर्सिटी आपको दिखता है, MIT यूनिवर्सिटी, HCL का बिल्डिंग, 124, 125, 126, 127, 4 सेक्टर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर इस तरफ, ऑलमोस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर में कंपनीज फैले हुए हैं आपके नोएडा के अंदर। और इसके अंदर जो एक्सप्रेसवे में और भी कंपनीज आ रहा है, जैसे सेक्टर 132 में, 132 तो बेसिकली नोएडा का साइबर सिटी कहला जाता है, क्योंकि आप सैमसंग, एरिक्सन, TCS, जेनपैक्ट, एडोबी, टॉक अबाउट एनी प्रोमिनेंट कमर्शियल, वो सेक्टर 132 में स्थित है। प्लस ये मेट्रो आने के बाद जो IT एंड ITS जोन आपका ऑलरेडी अलॉट था, अगर कोविड ना होता तो अभी तक इसमें कंस्ट्रक्शन आपको दिख जाते प्रोजेक्ट। अब सेम थोड़ा स्पेसिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया, इसमें खास देने वाली क्या है, आपका 17.5 एकड़ लैंड में 5 टावर है। जनरली 1 एकड़ लैंड में नोएडा में 1 से लेकर 1.2 टावर बनता है, तो दैट मीन्स अगर 10 एकड़ का लैंड है तो 12 टावर बन जाता है। इसी जगह में आप स्पेसिफिकेशन से लग्जरी जिसको कहते हैं, आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 3.5 एकड़ ज़मीन में 1 टावर।
ये लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग है बेसिकली। इसका अलग अलग सेग्रीगेशन होता है क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट कितना होना चाहिए या जो उस सेगमेंट को पूरा कर पाते हैं या जो स्टैंडर्ड पूरा कर पाते हैं उस हिसाब से उनको सर्टिफिकेशंस मिलता है। तो जनरली आपका ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आता है, गोल्ड लेवल आता है, प्लैटिनम इज द हाईएस्ट वन व्हिच दे हैव ऑलरेडी ऑप्टेड। ये चारों तरफ आपको कमर्शियल्स रेसिडेंशियल्स प्रॉपर्टी आपको दिख जाएंगे। अब ये मेन कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने वाले हैं। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे टॉलेस्ट रेसिडेंशियल या मिक्स यूज लैंड है। बेसिकली इनका हाइट है 300 मीटर। 300 मीटर शायद आप जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट अगेन आप थोड़ा एक सेकंड के लिए कुतुब मीनार के बारे में सोचिए। कुतुब मीनार का हाइट है 72.5 मीटर, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 4 times के बराबर आपका ये स्ट्रक्चर है। ग्राउंड प्लस 80 stories का बिल्डिंग, आज के दिन में ऑलमोस्ट 70 floors बन चुका है, 10 floors बचा हुआ है जो अगले 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अब अगर ये जो ग्राफ है, ग्राफ इसलिए बनाया गया, अभी तक पूरे इंडिया के अंदर लोधा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है 282 मीटर का एक हाइट लोधा वन नाम पे, दैट इज द टॉलेस्ट वन एज ऑफ नाउ। द मोमेंट ये बन जाएगा तो ये नॉर्थ इंडिया का तो टॉलेस्ट होगा, इंडिया का भी टॉलेस्ट हो जाएगा। हालांकि दो एक प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो वो सेम कैटेगरी में आ जाता है, लोधा ग्रुप का ही है। ये कुछ बिल्डिंग्स है अक्रॉस वर्ल्ड का टॉप टॉलेस्ट बिल्डिंग। और ख़ास बात क्या है, जो ये बुर्ज खलीफा जो आप देख रहे हैं, जो आज के दिन में ये शान है दुबई का, ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने ये बनाया ACC अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, वही डेवलपर आपका सुपरनोवा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। तो और वो भी जंप फॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ साथ, ये पूरा इंडिया में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया और मैं इसके बारे में डिटेल्स में आगे आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन USP क्या है, ये 80 stories का बिल्डिंग है और जंप फॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ है, तो इसका फिनिशिंग, इसका मजबूती कुछ अलग लेवल का है। और द ग्लेजिंग एरिया ऑफ स्पाइरल टावर इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 5 football soccer fields। अब यकीन माने तो 300 meter हाइट में कंप्लीट आपका ग्लासेस का फसाड रहेगा, तो उस लेवल का बनाया हुआ है ये। और 126 एलिवेटर रहेंगे इसके अंदर और विथ 18 एस्केलेटर्स, तो इसका जो ह्यूज कैपेसिटी और ये जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके टॉप फ्लोर पे आपका ऑब्जर्वेटरी रहेंगे प्लस विथ हेलीपैड। अब इसके जो कुछ खूबियां हैं, पहले तो ये वाटर एफिशिएंट होगा क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये ऑलरेडी मेंटेन करेंगे, प्लस ये प्लैटिनम रिलेटेड डेवलपमेंट है तो जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें एनर्जी एफिशिएंट होंगे। उसमें 1010 feet तक पंपिंग प्रेशर के साथ आपका ये पानी पहुंचाया जाता है, तो दैट मीन्स आपको कभी ज़िंदगी में वाटर से लेके छोटी छोटी चीज़ जो एक कस्टमर को ढूंढ सोचना पड़ता है उनके ऊपर कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये जंप फॉर्म टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो दैट मीन्स अभी तक इंडिया में कोई ऐसे डेवलपर नहीं है जो ये कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकें। बेसिकली ये बहुत कॉस्टली होता है, आज के दिन में पर स्क्वायर फीट अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में देखेंगे ऑलमोस्ट 1800 से 2000 रुपए के करीब आता है। आप अगर नॉर्मल गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो नॉर्मल डेवलपर आप देखते हैं वो ऑलमोस्ट 2600 से 2800 रुपए के करीब आता है। LNTC अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप कराना चाहते हैं आज के दिन में वो 3200 रुपए कोट करता है, बट जंप फॉर्म टेक्नोलॉजी से अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं पर स्क्वायर फीट 4500 से स्टार्टिंग होता है। अब उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, जितना ऊंचा बिल्डिंग बनाएंगे उतना आपका ज़्यादा खर्चा होगा। ये आपका कुछ खूबियाँ हैं सुपरनोवा के अंदर। इनका कॉन्ट्रैक्टर ACC के बारे में मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ। अब कॉन्सेप्ट जो है ये बिनॉय का, बिनॉय वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट माना जाता है। अबू धाबी में वर्ल्ड ऑफ फरारी नाम पे जो आप देखते हैं वो भी बिनॉय का बना हुआ है। और सबसे रिसेंट जो आप DLF मॉल का जो पूरा डिज़ाइन है ये बिनॉय ने ही डिज़ाइन किया और इन्होंने ही अपना सुपरनोवा मॉल डिज़ाइन किया हुआ है। अब मैं एक एक करके उसमें आता हूँ। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं उस जगह में, ये आपका एक पोडियम है, 5.5 acres ज़मीन के ऊपर फैले हुए पोडियम जिसमें
बहुत सारे लोग आपका इस जगह में क्राउड पुल करेंगे क्योंकि इसके नीचे कमर्शियल्स है, तो पीपल कैन सिट टुगेदर, कैन रिलैक्स, एंड ये याफी लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, बाहर के लोग भी यूज करेंगे, बट आप लोगों के लिए सेपरेट जोन अलग से बनाया हुआ है। अब जोन वन स्पायरा जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पे है, नोवा ईस्ट एंड वेस्ट जो लग्जरी सेगमेंट है, अरमानी रेसिडेंसीज द मोस्ट लग्जूरियस, मैंने कहा ना 30 करोड़ से शुरुआत होता है, रिटेल में ऑरोरा एंड रेडियंस बेसिकली सुपर लग्जरी जो रिटेल है वो 2 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं, जिसमें आपका अरमानी, गुची, लुई विटॉन इस टाइप का ब्रांड इसमें आ जाएंगे, और रेडियंस प्लेस जो प्रीमियम रिटेल, आप आज के दिन में कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं अच्छे शॉपिंग मॉल में तो ज़ारा, लुई फिलिप वगैरह जो जितने भी प्रोमिनेंट ब्रांड जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास सेगमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो आपको ब्रांड इस जगह में दिखेंगे। ए ग्रेड शेप पे आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग आज के दिन में तैयार है, लोग इसमें भूमि पूजा मतलब पूजा करके अपना फिटिंग्स वगैरह करा रहे हैं, और क्वीन टावर जो 5-स्टार रेटेड क्वीन टावर प्लस अरमानी कासा के साथ जो टाइप होकर आ रहा है वो नेक्स्ट डेवलपमेंट है इनका। स्पायरा ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं दैट इज योर ऑब्जर्वेटरी प्लस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट प्लस योर हेलीपैड, ये नोवा ईस्ट सॉरी नोवा वेस्ट, दिस इज योर नोवा ईस्ट, दिस इज योर एस्ट्रलिस ऑफिस टावर एंड दिस इज योर अरमानी कासा और क्वीन टावर, ये आप जो नीचे देख रहे हैं दिस इज योर कमर्शियल मॉल एंड ये आपका मेट्रो का रूट, आप जो पीछे ये नदियाँ की तरह दिख रहे हैं दैट इज योर यमुना। इसमें आपको क्लियर कट मेंशन किया, मैं सेग्रीगेशन थोड़ा बता दूं, ग्राउंड प्लस 2-स्टोरी जो आपको इसमें दिखता है दैट इज कम्प्लीटली देयर रिसेप्शन, 40 फीट का आपका रिसेप्शन एरिया है तो एक लग्जूरियस 7-स्टार रेटेड फील देता है आपको। थर्ड फ्लोर इज योर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, फोर्थ फ्लोर इज योर क्लब हाउस जहाँ पे सारे टॉप लेवल आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिल जाते हैं। फ्रॉम 5th floor till 7th floor दिस इज कॉल्ड स्पायरा रेसिडेंसेस। 18th फ्लोर इज योर सर्विस फ्लोर, सर्विस फ्लोर वो होता है जिसमें आपको सारे मशीनरी वगैरह रखा जाता है प्लस ऊपर फ्लोर के लिए सर्विस एरिया बनाया जाता है जैसे रिसेप्शन वगैरह हो गया। देन 19 to 43 फ्लोर पे तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, स्टूडियो अपार्टमेंट 7-स्टार रेटेड स्टूडियो बनाया हुआ है, यह इसको स्टूडियो ना बोल के हम लोग बिजनेस सूट्स कह सकते हैं। आप मान लीजिए इनका खूबियाँ क्या है, आज के दिन में कोई अगर 7-स्टार रेटेड या 5-स्टार रेटेड होटल में अपना एग्जीक्यूटिव को ठहराना चाहते हैं, नोएडा में आज के दिन में रेडिएशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या अगर दिल्ली में कोई 5-स्टार होटल में करने जाएं तो बहुत महंगा पड़ता है। आप अगर सिर्फ रेंटल में मत देखिए क्योंकि उनका खाना पीना से लेके सब कुछ अगर ओवरऑल पर डे के पैकेज देखें तो मिनिमम साइड में 10,000 रुपये आ जाता है, तो अगर एक एग्जीक्यूटिव को 30 दिन रखना पड़े तो 3 लाख रुपये का एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो बहुत सारे कंपनी जो एक्चुअली अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है नोएडा या आसपास के एरिया में और वो अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ स्टूडियो अपने पास रेंटल के लिए ले लेंगे और इसे ये मेंटेन करेंगे टॉप क्लास, आपका कोई 5-स्टार रेटेड डेवलपर को दिया जाएगा जो इनको मेंटेन करेंगे तो एक अच्छा रेंटल भी मिल जाता है। देन आपका इसके ऊपर से 46 से लेके 58 तक आपको ऑफिस टावर है, इसमें जो पहले होटल का प्रोविजंस था बाद में इनको कन्वर्ट करके ऑफिस टावर मेंशन किया क्योंकि होटल आपका अरमानी कासा टावर में अंदर शिफ्ट हो गया। ये लग्जूरियस सेगमेंट पे आपका ऑफिस बना हुआ है, ए ग्रेड ऑफिस, क्योंकि इतना ऊंचा बिल्डिंग आपको कभी नोएडा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। देन यू हैव योर स्काई विलाज, स्काई विलाज एक नया कॉन्सेप्ट है, बेसिकली स्काई के अंदर विला है, ये फॉरेन कंट्री में बहुत देखने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, आपको सारे फैसिलिटी मिल जाता है और एक अल्ट्रा लग्जरी का फील देता है। देन यू हैव योर ऑब्जर्वेटरी, हेलीपैड फॉर दोज हु नीड इट, दिस इज योर नोवा ईस्ट एंड वेस्ट टावर जो मैंने आपको जिक्र किया, ये एस्ट्रलिस टावर आज के दिन में रेडी है, अगर आज कोई ऑफिस स्पेस खोलना चाहता है तो 500 स्क्वायर फीट के आसपास से भी ऑफिस मिल जाते हैं। अब मानिए इनकी खासियत क्या है, अगर किसी को दिल्ली जाना हो, नोएडा जाना हो या आईजीआई कहीं भी जाना हो, आपको सीधा ऑफिस से निकले, कोई झंझट नहीं है, गाड़ी का कोई झंझट नहीं, ना उतना खर्चा, सीधा मेट्रो में बैठे तुरंत पहुंच जाएंगे आपका
उस लोकेशंस, तो अपने काम पे ज्यादा लोग फोकस कर पाएंगे रादर देन यू नो ट्रैवल एंड एवरीथिंग। अब ये टेक्निकल थोड़ा है बट आपको मजा आएगा जो थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बेसिकली ये 300 मीटर हाइट जो प्रोजेक्ट है इनको सपोर्ट देने के लिए इन्होंने पाइलिंग किया हुआ है, 229 पाइलिंग किया हुआ है और 52 मीटर नीचे तक पाइलिंग वर्क है और इनके ऊपर 4 मीटर का रैप्ट है। तो आप समझ रहे होंगे किस लेवल का उन्होंने कंस्ट्रक्शन में ध्यान दिया होगा, 4 मीटर का रैप्ट, वो अपना रैप्ट अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आपका B3, B1, B2 पूरा आपका पार्किंग लेवल है, देन ग्राउंड फ्लोर, देन ये आपको जो ऑफिस जो पूरा एरिया आपको दिखता होगा ये आपका ऑफिस पे आपका रिटेल स्पेस है सॉरी, और इस तरह आपका रिसेप्शन, देन मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया वो सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा और कंप्लीट ग्लास फसाड होंगे और साथ साथ रनिंग बालकनी। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, आप अगर कोई भी चीज़ इसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कोई डिटेल्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सेंड यू कंप्लीट डिटेल्स। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ चुका होगा कि किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है। आज नोवा ईस्ट एंड नोवा वेस्ट तैयार है, आप सारे फैसिलिटीज़ के साथ आज इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर कोई भी आप अगर 1.5 करोड़ से शुरुआत आपके पैकेज मतलब अफोर्ड कर सकते हैं प्रॉब्ली इससे बेहतर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा नहीं। ये दूर से आपको दिख रहा होगा SSC का जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपको, और ये जंप फॉर्म टेक्नोलॉजी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, दिस इज नोवा ईस्ट एंड वेस्ट जो थोड़ा रेडी है, ये कंप्लीट रेडी प्रोजेक्ट है। ऊपर आपको पेंट हाउसेस दिखते हो 20,000 स्क्वायर फीट एंड ऑनवर्ड्स। ये आपका कमर्शियल्स मॉल आ रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा था आपको, तो दैट मीन्स एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारे फैसिलिटी मिल जाता है। आप अपने घर में रह रहे होंगे बट आपको शॉपिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको दिल्ली में कहीं ट्रेवल करने तो उसके लिए हेडेक लेने की जरूरत नहीं। टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आपको प्योर एयर मिलते रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर जो मैंने यमुना का पुस्ता बताया था उसके अंदर कभी जिंदगी में कंस्ट्रक्शन आ नहीं सकता। और एक क्लास होगा, मतलब मान लीजिए ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, आज के दिन में NCR पे किसी को भी बोल देंगे जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हो, सुपरनोवा नाम सुनते ही वो समझ जाते हैं। और किसी को अगर नहीं भी सुना तो अगर बोलेंगे महामाया फ्लाईओवर के पास जो ऊंचा वाला टावर है उसी में मेरा घर है, तो एक अपने आप पे एक एड्रेस बन चुका है। एस्टेलिस जो मैंने आपको जिक्र किया ये रेडी प्रॉपर्टी है।